क्या है ये बिहार ना है जी? जी सर। आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, बात खेती करते हैं, खेती तो आम आदमी करता है जी। तो वो कह गया है जब से कोरोना आया है भाई, सब एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है। समझ रहा सर, तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे हैं। इसमें लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया गवर्नमेंट का स्कीम, हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, पढ़े जहाँ पढ़ना है पढ़ाना वहां ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बापू सभागार में, जहां पर किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए आज किसान समागम का आयोजन किया गया है और सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर बैठे हुए हैं, साथ में बिहार सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। वहीं एक तरफ जो किसान है जो अन्य जिलों से आए हुए हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उनसे मुखातिब होते के दौर में नीतीश कुमार आज खूब भड़के हैं, झंझलाए हैं। क्यों अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? हिंदी में बात करना नहीं आता क्या? बिहार के लोग बिहारी में बात नहीं कर, बिहारी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आम भाषा का उपयोग नहीं करते हैं? जब से कोरोना का दौर आया है तब से मोबाइल में लोग घुस जाते हैं और सिर्फ अंग्रेजी में। क्यों हमारे देश में हिंदी शब्द का इस्तेमाल क्या नहीं कर सकते हैं? नीतीश कुमार ने कहा है, किसानों से आग्रह भी किया है और उन्हें बहुत सारी बातें भी बताई हैं। क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे थे ज़रा सुनिए। अब मशरूम उत्पादन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे हमारा बैच था 30 लाख होगा, उस अगर वो कंज्यूम ना होके अगर वेस्ट हुआ है तो वो प्रोडक्शन हमारे किसी काम का नहीं। हेलो, एक बात हम जरा करना चाहता हूँ, ये क्या है ये बिहार ना है जी? जी सर। आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी, ये हो क्या गया है? नहीं सर, मैं आप अपने राज्य के और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइए जी। नहीं सर, बिल्कुल शुद्ध बिहारी हूं। लग रहा है सबको बिना मतलब से बोलते हो। कोई बात नहीं सर, बात खेती करते हैं जी, तो खेती तो आम आदमी करता है जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है ये भारत है जी, अब बोलिए बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है भाई, सब से एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है, तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है भाई, नया नया शब्द बोल रहा है जो पुराना चीज को भूल रहा है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सर, तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे हैं लेकिन जरा बोलिए, जरा अपने राज्य की भाषा में बोलिए ना, तो हर चीज में आप शुरू कर दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा, इसमें लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया गवर्नमेंट का स्कीम, मुजफ्फरपुर जिले से अरे आप लोगों को मालूम है हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, पढ़े तो वो तो अलग चीज है जी, जहां पढ़ना है पढ़ाना वहां ना, उस समय का ना, उसी समय से हम लोग जो काम करते हैं और सब जगह लोगों के बीच में जा करके राजनीति करते रहे तो कहां बोले हैं बिहार इधर उधर। हम तो और जितनी अलग अलग स्थानीय भाषाएं थी सबको सीखने की कोशिश की है, वहां बोलते थे। अब आजकल हमको देख करके आश्चर्य हो रहा है भाई। तो नीतीश कुमार पहुंचे थे पटना के बापू सभागार, जहां पर उन्होंने किसानों से क्या कुछ कहा है। जब जब वो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तब तब उन्हें टोका है और क्या कुछ बताया आपने सुना है। देखिए आज चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ हो रहा है, किसान समागम का आयोजन किया गया है। बिहार के कई जिलों से कृषि जो है, जो हमारे किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, वो पटना पहुंचे हुए हैं और कृषि रोड मैप आप देख सकते हैं 2008 से 2023 तक जिसका लक्ष्य रखा गया है उसमें कितना काम किया जा रहा है। इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है, किसानों को क्या कुछ समस्याएं हो रही है उस पर चर्चा हो रही है। उस दौरान नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, गुस्से में आकर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, भारत में ना है जी, हिंदी बोलिए ना, क्या दिक्कत है? आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।